नहीं जी, अब हमारा ये जो मेन था एविडेंस, आपको पता चल गया कि फैक्ट क्या है और रेलिवेंट फैक्ट और आपका और रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू। उसके बाद हमारे हमने पता भी चल गया कि एविडेंस क्या है, व्हाट इज एविडेंस। एविडेंस आपका क्या है कि मतलब आप जो भी स्टेटमेंट कोर्ट में देते हैं तो उसको एविडेंस कहते हैं। आप जो आप ऐसी कोई स्टेटमेंट जो आप मतलब डायरेक्ट आकर कोर्ट में देते हैं तो उसको ओरल एविडेंस कहते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट एविडेंस कहते हैं। चलें जी, आ गया जी हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 का मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। क्रक्स सेक्शन 3 है। अब हम बेयर एक्ट की वर्डिंग भी पढ़ेंगे तो वो हमारा काफ़ी लेट हो जाएगा, ठीक है? तो हम ऐसे इसको गो थ्रू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट चीज है वो कहता है कि ये AH नहीं है, ये ऑल है। ये आपने ये समझना है, ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ये आपका जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि सारे पर्सन जितने भी लोग हैं वो सारे कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है। उसमें आपका माइनर आ जाता है, डिफेंडम आ जाता है, उस लुनाटिक आ जाता है, अनसाउंड माइंड आ जाता है, 80 साल का 80 ईयर्स ओल्ड आ जाता है, 5 ईयर्स ओल्ड आ जाता है, वो सारे पर्सन, ऑल पर्सन। ये ब्रॉड डेफिनेशन है इसकी, ब्रॉड, ठीक है? सारे के सारे आ जाते हैं, लेकिन ये जनरल रूल है, इसकी एक्सेप्शन है। एवरी जनरल रूल हैव सम एक्सेप्शन। हर जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शन होती हैं। अच्छा, इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन ये है कि अनलेस द कोर्ट कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। अगर कोर्ट को लगता है कि उसको जो क्वेश्चन हमने किया है उसको वो अंडरस्टैंड कर रहा है पर्सन, विटनेस, विटनेस जिस पर्सन को क्वेश्चन किया गया है उसने क्वेश्चन को समझा है, ठीक है, एंड आर फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन, और जो उसको जो सवाल किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसने जवाब दिया है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को कोर्ट कहेगी कंपिटेंट है, ठीक हो गया? और जिन लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं आई या क्वेश्चन की समझ आई है और उसका रैशनल आंसर नहीं देते तो उन वो कोर्ट वो विटनेसेस कंपिटेंट नहीं होंगे। अब ये कहता है कि ऐसे लोग जिनको क्वेश्चन की समझ नहीं आती या जिनको आपका मतलब क्वेश्चन की समझ आती है लेकिन वो जवाब नहीं दे सकते, उसमें कौन से लोग हो सकते हैं? वो कहता है कि उनमें ऐसे लोग हो सकते हैं जिसमें टेंडर एज मतलब 4-5 साल की, 8 साल का बच्चा, उसको क्वेश्चन का रैशनल आंसर नहीं दे सकता, ठीक है? उसका रैशनल आंसर नहीं दे सकता। उसके बाद कहता है कि उसकी एक्सट्रीम ओल्ड है, जैसे 80 ईयर्स ओल्ड है, उनको भी पता नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है, या कोई डाइजेज हो जाती है। डाइजेज आपकी मेंटली भी हो सकती है और उसकी बॉडीली भी हो सकती है, ठीक हो गया? ये आपकी काजेज हैं, इन वजह से वो नहीं दे सकते। अब आगे वो प्रोवाइजो कहता है कि अब एक पर्सन दैट पर्सन शल नॉट कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इफ ही हैज कन्विक्ट। अब एक पर्सन जो कि प्रीवियसली कन्विक्टेड है, केस में फॉल्स एविडेंस पे, झूठी गवाही पहले दी है उस पे और उसको कन्विक्शन हो गया, ऐसा पर्सन भी एविडेंस नहीं दे सकता। और कोई परजरी, कोई उसने झूठी शहादत दी है उस पे भी एविडेंस नहीं दे सकता, ठीक हो गया? आगे अजी सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर इसमें कहता है कि फर्स्ट प्रोवाइजो शल नॉट बोले, अगर वो पर्सन जिसको कन्विक्शन हो गई है, वो एक पर्सन को एविडेंस हो गई है, ठीक है, तो उस मतलब एक पर्सन को कन्विक्शन हो गई है, उसने बाद में आके माफी मांग ली है, ठीक है, तो उसको भी आपको मतलब उसकी भी कोर्ट एविडेंस ले सकती है। पहले प्रोविजो क्या था? प्रोविजो ये था कि जिसको कन्विक्शन हुई है फॉल्स एविडेंस पे या परजरी पे वो एविडेंस नहीं दे सकता, वो कम्पिटेंट विटनेस नहीं है। हाँ, अगर कोई माफी मांग लेता है तो वो दे सकता है, एक चीज। फिर थर्ड प्रोविजो क्या कहता है? कहता है कि ये जो आपने कम्पिटेंस देखनी है इसके लिए आपने कुरान पाक के अहकाम के अकॉर्डिंग फैसला करना है कि आया के पर्सन ये दे सकता है या नहीं। और लास्ट जो एक्सप्लेनेशन है उसमें ये सिंपली बताया गया कि आपका जो लुनेटिक है वो भी कम्पिटेंट विटनेस है अगर वो मतलब क्वेश्चन अंडरस्टैंड करता है और रैशनल आंसर दे सकता है, ठीक हो गया? आगे आजिए आपका 4 से 14। 4 से 14, ये 4 से 14 आपके प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ये आपने सारे देख लेने हैं, ठीक है? इसका आपको पता
चल जाएगा, ठीक हो गया। अगर इस पे कोई आपको किसी भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होता है 4 से 14 में, तो आप मुझसे बाद में थ्रू टेक्स्ट आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज ये वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे जी आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है जी 16, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस कहता है जी, अकम्प्लिस कौन है? अकम्प्लिस को कहते हैं कि जी गिल्टी एसोसिएट, ठीक है, या आप गिल्टी एसोसिएट कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि सुल्तानी गवाह सर। हाँ सुल्तानी गवाह, बिल्कुल सुल्तानी गवाह, वादा माफ गवाह, गिल्टी एसोसिएट, ठीक है, पार्टनर इन क्राइम, ये वर्ड्स हैं इनके, पार्टनर इन क्राइम, गिल्टी एसोसिएट, सुल्तानी गवाह, वादा माफ गवाह। अब इसके जो रेड विद हैं, आपने ये सारे लिख लें, इसके साथ आपने जो रेड विद करना है 16 के साथ, वो 129 बी वो करना है, उसके अलावा 337 से लेके 339 ए CRPC वो करनी है रेड विद, उसके अलावा हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11, वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 वो भी, उसमें भी अकम्प्लिस का जिक्र है, वो भी आपने रेड विद करना है। ये है सर ये आपका 109 नहीं है जी। सर, ये 109 नहीं पढ़ना इसके साथ पीपीसी का सर, शुरू हाँ के जन्म। हाँ 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 वो भी कर सकते हैं, वो अकम्प्लिस नहीं होता, वो और चीज है, वो है आपके अबेटमेंट, सर वो तो अबेटमेंट बने आ गए, अबेटमेंट है अबेटमेंट है सर वो। वो उसमें नहीं आएगा, ठीक है, वो अबेटमेंट इज समथिंग एल्स, ठीक है। अबेटमेंट क्या है? अबेटमेंट ये है कि आप किसी को उकसाते हैं कि आप जाके मतलब ये ऑफेंस करें, मतलब अबेटमेंट में 3 चीजें बताई गई हैं, इंस्टिगेशन, इंटेंशनल एड, और आपका इंगेज, इंगेज विद सम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये 3 वर्ड हैं, पहले इंस्टिगेशन, किसी को इंस्टिगेट करना, इंगेज विद क्रिमिनल्स, या फिर इंटेंशनल एड, ये अबेटमेंट में आ जाता है, वो किसी को उकसाना कि आप ऑफेंस करें। जो अकम्प्लिस है वो 4% जाके मतलब एक ऑफेंस करते हैं तो एक अकम्प्लिस बन जाता है, वो ही डिपोज करता है। अकम्प्लिस भी वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे आपको एविडेंस नहीं मिलती, कोई भी एविडेंस नहीं होती, आपके पास कोई और हल नहीं होता, तो फिर आप ऐसा करते हैं कि 4 मुलजमान होते हैं तो उनमें से एक को आप कह देते हैं कि इस वादा माफ गवाह बना लेते हैं, वो उसको टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं कि आपने ट्रू अकाउंट डिस्क्लोज करना है, ठीक है, ट्रू अकाउंट डिस्क्लोज करना है, तो इस बेस पे आप उसके माफी दे सकते हैं, इस बेस पे आप उसका मतलब उसको अप्रूवल करा सकते हैं, वो सच बताता है तो वो उसके उस बेस पे बाकियों को सजा मिल जाती है, उसको माफी मिल जाती है। अगर वो सच नहीं बताता, मतलब जो टर्म्स जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे उस अकम्प्लिस को अप्रूवल बनाया गया था, अप्रूवल कौन है? अप्रूवल होता है व्हेन अकम्प्लिस ग्रांटेड पार्डन, ठीक है, तो अप्रूवल बन जाता है, अप्रूवल, अकम्प्लिस को जब माफी मिल जाती है तो उसको अप्रूवल का नाम दे देता जी सर, है। वादा माफ गवाह जो होता है सर वो। हाँ जी ठीक है। अच्छा अब वो अगर वो सच नहीं बताता तो उसके बाद फिर उसका 339 ए, उसको उसका ट्रायल होगा 339 में बताया गया, और ट्रायल का प्रोसीजर भी 339 ए में बताया गया है CRPC में, ठीक हो गया। इसको हम पढ़ते हैं फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। कहता है अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन एंड अक्यूज्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशमेंट विद हद एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड अपॉन द अनकॉर्बोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अकम्प्लिस। अब कहता है अकम्प्लिस जो है आपका कॉम्पिटेंट विटनेस है, अकम्प्लिस अकम्पिटेंट विटनेस है, और लेकिन हद में ये इस्तेमाल नहीं होता, हदूद केसेस में अकम्प्लिस का कोई रूल नहीं है, उसकी शहादत नहीं मानी।